आई इंडिया अपने दर्शकों तक लगातार सीतापुर की 9 विधानसभाओं का हाल पहुंचा रही है और इस वक्त हमारे साथ बिस्वा के संवाददाता अमित जायसवाल मौजूद है जो आपको बताएंगे बिस्वा का हाल कि कुल कितने चल हुए हैं और कौन प्रत्याशी कितने मत पाया है। अमित जी बताएं। 8वें चरण की समाप्ति हो गई है और इस समय समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 27,742 मत पाए हैं, जबकि निर्मल वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने 28,657 मत पाए हैं और वो 915 मतों से आगे चल रहे हैं। और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 6800 मत पाए हैं। वंदना भार्गव जी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं 1270 मत पाई हैं। सलील सेठ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने सिर्फ 315 मत पाए हैं। तो ये हो गया बिस्वा विधानसभा सीट का हाल कि बिस्वा में 8 चरण पूरे हो चुके हैं जिसमें से भाजपा के निर्मल वर्मा 28,657 मत पाए हैं, वहीं सपा के अफजल कौसर 27,742 मत पा चुके हैं जिनमें से दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर सैकड़ों में है। मतलब बिस्वा विधानसभा सीट पर क्यों अमित जी बिस्वा विधानसभा सीट कांटे की टक्कर मानी जा रही है? जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है इस समय और दोनों प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो चाहे भाजपा के प्रत्याशी दोनों उतार चढ़ाव बना हुआ है। 500-700 वोट कभी उधर बढ़ते हैं एक राउंड में कभी दूसरे राउंड में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी बना हुआ है। 215 मतों से की जो है भाजपा के निर्मल वर्मा आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल बता दें आईने के दर्शकों की बिस्वा में 30 चरण खुलने हैं 30 चरण होने हैं जिसमें से 8वें चरण का हाल यह रहा कि 915 से बीजेपी के निर्मल वर्मा ने बढ़त बनाई है। अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे इसी तरह नजर बनाए रखिए और दर्शकों तक हर पल पल की अपडेट पहुंचाते रहिए। थैंक यू। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।